नमस्कार दोस्तों, एडवाइस टीवी ट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कड़ी पत्ता यानी कि मीठा नीम के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मीठा नीम या कड़ी पत्ता को घना कैसे करें और इसको हरा भरा कैसे रखें। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, मैं आपको बीच में जानकारी दूंगा कि आपको इसमें कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए, अपने पौधे को कैसे लगाना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसको हम लगाएं कैसे। तो दोस्तों, कड़ी पत्ते को आप कटिंग और सीड यानी बीज के द्वारा लगा सकते हैं, बड़ी आसानी से लग जाता है। कटिंग बड़ी जल्दी लग जाती है, तो बरसात के टाइम अगर लगाने की सोच रहे हैं तो इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। मैंने कटिंग के ऊपर पहले से वीडियो बना रखी है कि इसकी कटिंग आपको कैसे लगानी चाहिए। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो IBL पर मैं उसका लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अगर आप दोस्तों इस पौधे को ज़मीन पर लगाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। ज़मीन में आपको ज़्यादा कुछ देखभाल की आवश्यकता नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप गमले में लगाते हैं तो कुछ देखभाल आपको करनी पड़ सकती है। तो बात करते हैं, अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे गमले का साइज़ क्या होना चाहिए। तो गमले का साइज़ हमेशा बड़े साइज़ के ही पॉट आपको चुनने चाहिए, या फिर आप बड़े ड्रम में, बड़ी बाल्टी में इसको लगा सकते हैं। ज़मीन में आप अगर लगा देंगे तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन चूँकि जो नीम का पत्ता होता है, कड़ी का पत्ता होता है, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए आप हमेशा बड़े पॉट में ही लगाएं। इसके साथ ही आपको इसको प्रून भी करते रहना होगा। जब आप देखें इसकी पत्तियां सूख रही हैं, पीली पड़ रही हैं या ब्रांच कुछ इधर उधर ज़्यादा हो गई हैं, तो आप इसको प्रून करते रहिए। प्रून करने से आपका पौधा घना हो जाएगा और पत्तियां भी उसमें ज़्यादा आ जाएंगी। अगर आपने ज़मीन पर लगाया हुआ है तो प्रून बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ज़मीन पर यह पौधा बहुत जल्दी बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो अगर आप प्रून नहीं करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एरिया आपका ये ढक लेगा। तो प्रून जरूर करें, कटाई छटाई जरूर करें पौधे की, गमले में भी और ज़मीन पर भी आप कटाई छटाई जरूर करें। अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र यानी खाद की, हमें कड़ी पत्ते में कौन सी खाद डालनी चाहिए ताकि हमारा पौधा हरा भरा रहे। तो दोस्तों, खाद की बात की जाए तो हर पौधे को खाद की आवश्यकता होती है, चाहे आपने ज़मीन पे लगाया हो या फिर गमले में लगाया हो। बात की जाए कड़ी पत्ते की, तो मंथ में अगर आप एक बार इसमें गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, कोई भी खाद डाल देंगे तो पौधा आपका अच्छा रहेगा, हरा भरा रहेगा, घना रहेगा। तो मंथ में एक बार गोबर की सड़ी हुई खाद जरूर डालें। अगर आपको नहीं मिल पा रही है गोबर की खाद तो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, या फिर आप होम मेड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, अपने घर पर खाद बना के भी डाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पानी की, कि हमें अपने पौधे पे पानी कब डालना चाहिए। तो दोस्तों, बरसात के सीजन में इस पौधे को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, बारिश के पानी से ही इसमें पूर्ति हो जाती है। अगर गमले में लगाया हुआ है, मिट्टी सूख रही है, तब आप इसमें पानी दे सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर अगर बारिश हो रही है तो पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी अगर मिट्टी में नमी ना हो तो पानी आप दे सकते हैं। पानी देने का कोई निश्चित समय नहीं होता, जब भी आप देखें मिट्टी में नमी नहीं रह गई है, मिट्टी में गीलापन नहीं रह गया है, तब आप अपने पौधे में पानी दे सकते हैं। इस पौधे को आप किसी ऐसी जगह पे बिल्कुल ना लगाएं जहाँ पे पानी का भराव होता हो, जहाँ पे पानी ठहरता हो। अगर गमले में भी लगा रहे हैं तो उसमें भी पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ड्रेनेज होल सही से होना चाहिए, उसमें पानी निकलना चाहिए, पानी ज़्यादा देर तक टिकना नहीं चाहिए। तो ये कुछ आपको ध्यान देना है, आपको हर 30 दिन पर अपने पौधे पर खाद देनी है, समय समय पर इसकी आपको कटिंग करते रहना है, कटाई छटाई करते रहना है, और पानी आपको जब मिट्टी सूख जाए तब देना है। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा कुछ दिन में घना हो जाएगा और इसकी पत्तियां काफ़ी ग्रीन हो जाएंगी। और एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है, जहाँ पे अधिक धूप हो वहाँ पे आप इस पौधे को ना रखें। आप इस पौधे को किसी बड़े पेड़ के नीचे या फिर ऐसी जगह पर रखें जहाँ थोड़ी थोड़ी मात्रा में हल्की हल्की धूप आया करे। अधिक गर्मी के दिनों में, जैसे आप मई, जून, जुलाई हो गया, इस टाइम पर आपको डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं रखना है। बाकी सर्दियों में आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस पौधे को नहीं लगाया है तो पौधे को जरूर लगाएं, काफ़ी फायदेमंद पौधा होता है, काफ़ी चीज़ों में इसका उपयोग होता है, मधुमेह के रोग में भी इसका उपयोग होता है और इसके पत्तों से बहुत सारी सामग्रियां बनाई जाती हैं। तो आप इसको जरूर लगाएं अपने गार्डन में, काफ़ी औषधीय पौधा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों को भी इसके बारे में पता चले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।